ब्लैक फ्राइडे से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी अमेजोन से, वो पहुंच गई हैं, तो इनको अनपैक करते हैं और तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। खैर मुझे तो पता है इनमें क्या है, लेकिन आपको दिखाना है कि इसमें क्या है। आई नीड सीजर्स। ये जी, ये है 128 GB का मेमोरी कार्ड जो कि मुझे चाहिए था। एक नया कैमरा, मैंने आपसे कहा था कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कि GoPro, ये उसके लिए चाहिए। और ये है पोर्टेबल ड्राइव, ये मुझे चाहिए थी स्टोरेज के लिए, क्योंकि हमारा डाटा इशू ये आ रहा था कि हमारा घर में जितने भी आईफोन्स हैं और दूसरे फ़ोन्स हैं उसके लिए हमें स्टोरेज चाहिए थी, तो ये मैंने ऑर्डर की है। इसका ये टेक्निकली है मेरा ख्याल में 1 TB। वन टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है ये, पोर्टेबल ड्राइव। और ये थी क्रिसमस की ब्लैक फ्राइडे की सेल्स के साथ, आई थिंक हमें अराउंड 60 bucks, ये $60 की थी। ये हो गई, जाहिर है इसमें होता ही है कि जाहिर है आपकी थोड़ी सी जो है वो स्टोरेज मुकम्मल हो जाए तो गूगल और एप्पल दोनों आपसे पैसे मांगने लग जाते हैं। तो हमारे पास 1, 2, 3, 5 अयान मिला के लाइक अराउंड 5-6 फोन्स हैं, तो उन सब की स्टोरेज के लिए वी नीडेड समथिंग, ये उसके लिए था। टू थिंग्स, अब हम खोलेंगे ये बड़ा बॉक्स। Let's see के इसका मिल गया। That's actually already open. इसको फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ना बड़ी चीजें, ये राजी ब्लिंक के सिक्योरिटी कैमरास जो के मैंने लगाने हैं बाहर, एक लगेगा मेन फ्रंट डोर पे, एक लगेगा बैक डोर पे, तो इसकी अलहदा से मैं वीडियो बनाऊंगा, इसकी सारी इंस्टॉलेशन हर चीज जो जो होगा वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। ब्लिंक के आउटडोर कैमरास, दीज आर वेरी गुड। आई लाइक, मैंने इनके रिव्यू पढ़े थे, बड़े अच्छे हैं। ये वायरलेस हैं, दे डोंट नीड एनी बैटरी और एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल होंगे फौरन आपके मोबाइल पे इनकी एक्सेस आ जाएगी एंड यू कैन वॉच योर सिक्योरिटी स्टफ। और इनकी लिखा तो ये हुआ है कि इसकी 2 years बैटरी लाइफ है, लाइक सेल डालने की जरूरत ही नहीं है 2 साल। खैर इसका जब हम इंस्टॉलेशन पे आएंगे फिर इसकी बात करेंगे। ये रही एक और चीज, ये थी Amazon की Fire 7 टैबलेट। दिस इज व्हाट आई ऑर्डर, मैं भूल गया इसके प्राइस बताना। इसकी एक्चुअली इसकी एक चीज रहती है, 2 कैमरे और इसके साथ एक अलेक्सा एक बॉक्स है जो इसके अटैच करेगा, जो हम घर लिविंग रूम में रख सकते हैं, जिसपे टाइम और वो अलेक्सा जो ऑलरेडी होम ऑटोमेशन में इस्तेमाल होता है, वो तीन चीजें मिला के आई थिंक इट वॉज ऑन सेल फॉर 150 to 60 bucks। ये इतने का था Fire 7, ये टैबलेट है Amazon की, Amazon ने इंट्रोड्यूस किया है इसको। लेट्स सी, जब हम यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। 16 GB, ये टारगेट ये था कि इसको जो है वो अयान के लिए ली जाए। लेट्स सी इसका रिव्यू क्या है। ऑनलाइन तो अच्छा था, ऑनलाइन लोगों ने बड़ी तारीफ की है इसकी, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। ये टेक्निकली जो है वो अयान के लिए है, और लेट्स सी कि इसका जैसे भी आएगा वो फिर आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। अच्छा लास्ट चीज, ये आगे हम राउटर पे। अच्छा हो क्या रहा था राउटर के साथ, जो क्योंकि घर से काम चल रहा है तो VPN में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और दूसरा वैसे भी जाहिर है घर में जो या मॉडेम मिलते हैं उसके साथ कंपनीज के साथ वो कोई इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो आपको साइड पे साथ में एक राउटर होना चाहिए
जिसकी वजह से आपके वाईफाई सिग्नल्स वगैरह वो चीज़ें जो है ना बेहतर हो जाती हैं। तो वही करेंगे हम, इसको खोलेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो इसके अंदर ये चीजें हैं, क्विक स्टार्ट, इसकी अपनी ऐप भी है, नेटवर्क ऐप टू गेट स्टार्टेड। ये फ्रेंच में भी है, तो होता क्या, इन्होंने इंग्लिश में भी दी हुई है इंस्ट्रक्शन, फ्रेंच में भी दी हुई है। जाहिर है इस कैनेडा, तो कैनेडा में दोनों जबानों की वैल्यू है सेम। पावर, इथरनेट केबल्स जिसके साथ ये लगेगा, और ये रहा राउटर। देखते हैं इस राउटर के साथ स्पीड कितनी आती है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई थिंक आई शुड गेट माई कंप्यूटर हियर। ये जो है यहाँ पड़ा है पुराना, मैनेजमेंट तो इतनी हुई नहीं हुई इसकी। ये जो है पुराना राउटर पड़ा है, ये कंपनी की तरफ से आया है। तो अब क्या करना है, इसका होता है कि एक इसको ब्रिज मोड में आप डाल सकते हो, तो इसको हम ब्रिज मोड में डालेंगे, और उसके बाद इस वाले राउटर को इंस्टॉल कर देंगे। आई थिंक मैं यहाँ रखता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आ सके। अब बेसिकली इसके अंदर लॉगिन किया है, इसको लॉगिन करके बेसिकली इसका सब कुछ पावर ऑफ कर देना है। तो वंस ये सब कुछ पावर ऑफ हो जाएगा, सिर्फ आपको जो है ना वो इंटरनेट एक्सेस देगा, जो इंटरनेट एक्सेस यहाँ से लेके इसमें आएगी और ये टेक्निकली यूज़ होगा। तो इसको बस सिर्फ यही करना है, हमने राउटर मोड से ब्रिज मोड में डाल देना। अच्छा, इसके प्राइस शायद मैंने नहीं बताए, इसके प्राइस हैं सेल पे, वैसे ये 170 बक्स का, लेकिन सेल पे ये मुझे $99 का मिला। इतना खास वो नहीं है, वहाँ से लेके इसकी केबल ऑलरेडी बनी हुई है, ये यहाँ डलेगी अंदाज से। स्टार्ट हो गया,
सो जो स्पीड हमें आनी चाहिए वो तकरीबन 150 का पैकेज है, 150 Mbps स्पीड हमें आनी चाहिए। लेट्स सी इस राउटर के साथ कितनी आती है। ओह वाओ, तो फाइनल स्पीड 148 जो है ना वो इधर आ रही है। वाओ दैट्स एक्चुअली वंडरफुल, इतनी स्पीड डायरेक्ट इस कनेक्शन से आ रही है। तो इसकी डाउन अपलोड स्पीड टेक्निकली 10 होनी चाहिए, तो ये 150x10 आ रही है, व्हिच इज गुड। वहाँ पर तो सारा सेटअप हो गया, अब यहाँ पर हो रहा है। जब तक ये होता है मैं जो दूसरी चीज़ें हैं जो वहाँ से उतारी थी वो इस पे मैं लगा लूँ। ये तो ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक जो है वो मेरे फ़ोन की है, दूसरा जो है यहाँ पर एक और टेस्टिंग फ़ोन है जो मैं ऑफिस के लिए टेस्ट करता हूँ, और मेरा जो वो वाला पी सी है वो इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ। तो एक दो तीन चीज़ें हैं जिसकी दो केबल्स हैं जो कि यहाँ लगे। डन हो गया जी, योर राउटर इज ऑलरेडी सेट अप। ये देखो जी, रिटर्न टू डैशबोर्ड, ये आ गया जी इसकी ऐप, जिस पे यहाँ गेस्ट वाईफाई भी है जो हम ऑन कर सकते हैं। गेस्ट वाईफाई पे ऑन करके घर में कोई गेस्ट आए तो उसको वो वाला पासवर्ड दें। डिवाइस मैनेजर, जैसे मैंने अभी कनेक्ट की है तो ये चारों डिवाइस शो कर रहा है। ये मेरी अम्मी का फ़ोन, अननोन एक नेटवर्क है जो कि हो सकता है वो डिवाइस हो जो मैं टेस्ट करता हूँ। SCP जो है ये मेरा फ़ोन है, टेस्ट फ़ोन। ये डेस्कटॉप, ये लैपटॉप है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है। लेट्स सी कि यहाँ पर कितनी स्पीड आ रही है। टेस्ट माई स्पीड, तो हार्डवायर के थ्रू 141 आ रही है, और हार्डवायर के थ्रू 148 थी। तो वाईफाई में और हार्डवायर में थोड़ा सा तो फ़र्क आएगा। तो दिस इज़ स्पीड टेस्ट। वाओ दैट्स एक्चुअली ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त स्पीड है। हम इसको डिस्कनेक्ट करके रखेंगे। एनीवेज, दिस वाज आई एक्चुअली वांटेड टू शो यू दिस, के ये सारा सेटअप।